जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बात करने वाले हैं कि क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप बहुत सरल है, सहज है, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन क्या इस चीज़ का कोई विदुर उपयोग तो नहीं कर रहा है? आपको ये जानना अभी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे या इनका क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। क्योंकि जब बहुत ही सरल हृदय वाले व्यक्ति, इनको बुरा भी बहुत लगता है और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये कई सारे प्रश्न फिर खड़े हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को चेतावनी यही देना चाहता हूँ, और ये बात हमेशा मैं कहता भी हूँ, जो बातें क्लियर है कि आप जिन पर मेहरबानी कर रहे हैं, आप बहुत शुद्ध मन से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जिन पर भी आप मेहरबानी कर रहे हैं, क्या वो उसका सही उपयोग कर रहे हैं या आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका क्रॉस चेक जरूर कर लें। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये मिलते हैं कि हमारे साथ इस तरह से क्यों होता है, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं। तो आप इस विषय को लेकर बहुत गंभीर रहें, अगर किसी की मदद कर रहे हैं बिल्कुल करिए, मैं उसके कोई खिलाफ़ नहीं हूँ और मुझे कोई हर्ज नहीं है। पर क्रॉस चेक इसलिए करना ज़रूरी कि जब अगर कोई बात होती है या धोखे की बात हो जाती है या कोई परेशानी की बात हो जाती है, तब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में केवल और केवल आपको यही संकेतित करना चाहता हूँ और हमेशा करता हूँ कि आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि हम कई बार, कोई पात्र होता है कि इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें गलत राय देकर या गलत जानकारी देकर उसकी मदद से वंचित कर देते हैं। मतलब उसकी मदद, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस व्यक्ति की मदद हो। तो आप उस चीज़ को भी देखें कि कोई ऐसा तो नहीं आपके परिवार में या कोई आपका मित्र, दोस्त या कोई भी व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, उसके बारे में आपने व्यक्तिगत आंखों से कुछ नहीं देखा है, लेकिन दूसरों की बातों सुन सुनकर, दूसरों की कही बातों पर विश्वास करके आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये भी बात है तो इस पर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो आप उनकी ज़रूर मदद करें। तीसरी बात है कि अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए, मान लीजिए मैं किसी की 10 रुपये की मदद कर सकता हूँ या 20 की मदद कर सकता हूँ, खासकर अपने परिजनों पर, जैसे काका के लड़का, मौसी, चाचा, मामा, ताऊ, ये सब जो होते हैं, हमारा परिवार होते हैं, इनमें अगर किन्हीं के हालात ख़राब है तो उनकी मदद आपको करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सब यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, जो आज है कल वापस हमें मिलना तय है। तो अगर हम सक्षम हैं, हमारे में उतनी कुवत नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम वो बिल्कुल सब कुछ कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं ये मदद ज़रूर आपको करना चाहिए, खासकर पारिवारिक लोगों की। बाहर की तो हम करते ही हैं, लेकिन इस पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ों की कमी आज के दौर में बहुत है, जिसे आपको बचाना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय खुलकर आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। दोस्तों, हर राशि के लिए यही बात होगी, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसे कमेंट्स करें, लिखें, राइट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।